नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वीडियो बनाने का समय मिलता नहीं है, लेकिन आज आपके सामने एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ये करिश्मा एल्बम के बारे में ही है कि करिश्मा जो एल्बम है उसके अंदर कितने तरह की एल्बम होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करिश्मा एल्बम को मोटा मोटी चार तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, चार भाग में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो करिश्मा एल्बम होता है वो होता है मिनी एल्बम। अब इन चारों जो तरह के एल्बम होते हैं इनकी सबकी अलग अलग साइज़ होती है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि चार तरह की कौन कौन सी एल्बम होती है। पहली जो होती है वो होती है मिनी एल्बम। इस मिनी एल्बम के अंतर्गत कुछ साइज़ें आती हैं 8-9 तरह की, वो साइज़ भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पहली जो तरह की टाइप की जो एल्बम होती है करिश्मा में वो होती है मिनी एल्बम। इसके बाद में जो दूसरे तरह की जो एल्बम होती है वो होती है स्टैंडर्ड एल्बम। स्टैंडर्ड एल्बम वो होती है जो कि रेगुलर बनती है 12-36 वगैरह इस तरह की जो साइज़ होती है वो अपने इसमें स्टैंडर्ड एल्बम में आती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आती है करिश्मा एल्बम में वो आती है स्क्वायर एल्बम, यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसकी जो बराबर रहती है। स्क्वायर एल्बम के अंदर भी कई तरह की साइज़ होती है, वो साइज़ के बारे में आपको आगे से वीडियो बनाऊँगा तो उसे बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि तीसरे तरह की जो एल्बम होती है वो होती है स्क्वायर साइज़ की एल्बम, इसको स्क्वायर ही बोलते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर की जो आपकी एल्बम आती है करिश्मा में उसको बोलते हैं जंबो एल्बम, यानी कि सबसे बड़ी साइज़ की एल्बम होती है, इसके अंदर भी कुछ साइज़ आती है। तो ये चार तरह की मोटा मोटी करिश्मा में एल्बम होती है, पहली मिनी एल्बम, दूसरी स्टैंडर्ड एल्बम, तीसरी स्क्वायर एल्बम और चौथे नंबर की जो होती है वो जंबो एल्बम, यानी कि सबसे बड़ी एल्बम। सबसे सस्ती जो इसमें एल्बम होती है वो मिनी एल्बम से स्टार्ट होती है और सबसे महंगी जो एल्बम होती है वो जंबो एल्बम से होती है। सबसे बढ़िया बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मिनी एल्बम में जो साइज़ आती है सबसे छोटी साइज़ वो होती है 4x4 इंच की, यानी कि अगर कोई आदमी चाहे या आप चाहे कि भाई 4x4 की एल्बम अगर आप बनाना चाहते हैं जो खुलने के बाद में 4x8 इंच की हो जाती है तो आप वही बना सकते हैं। और सबसे सस्ती जो है वो यही साइज़ की एल्बम होती है। हालांकि करिश्मा में 20x30 तक की एल्बम भी बनती है, 20x30 इंच तक की, लेकिन मिनी एल्बम के अंतर्गत जो साइज़ आती है सबसे छोटी वो आती है 4x4 की। इसके आगे जो साइज़ आती है वो आती है 4x6 साइज़ की, यानी कि आप जो प्रिंटआउट 4x6 साइज़ का प्रिंटआउट नॉर्मली मार्केट से लेते होंगे तो उस साइज़ की भी करिश्मा एल्बम बनती है जो 4x12 की हो जाती है खुलने के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट आती है 6x8 की। इसके आगे इसकी जो तीसरी साइज़ आती है करिश्मा की मिनी एल्बम के अंतर्गत वो आती है 6x8 की। इसके नेक्स्ट जो आती है वो आती है 6x6 इंच की और इसके भी आगे जो एल्बम आती है मिनी के एल्बम के अंतर्गत ही वो आती है 6x9 साइज़ की। इसके आगे जो साइज़ आती है वो आती है 8x8 इंच, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर साइज़ की आती है लेकिन वो मिनी एल्बम के अंतर्गत ही आती है क्योंकि उसकी साइज़ जो वो छोटी है। इसके बाद में साइज़ आती है 8x12 और 9x12। तो मिनी एल्बम के अंतर्गत इतनी सारी साइज़ें आती है जिनको मिनी एल्बम बोलते हैं। ये सारी आप साइज़ करिश्मा में बनवा सकते हैं, इसमें फ़ोटो कवर भी लगता है और बहुत ही सुंदर एल्बम बनती है। प्राइस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब वीडियो आपको बनाऊंगा तो उसके अंतर्गत प्राइस और पेपर के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि चार तरह की एल्बम होती है, मिनी एल्बम, स्क्वायर एल्बम, जंबो एल्बम और स्टैंडर्ड एल्बम जो अपने रेगुलर चलती है वो। और आज मैंने आपको बताया मिनी एल्बम की जो साइज़ होती है वो, कि मिनी एल्बम के अंतर्गत कौन कौन सी साइज़ की एल्बम आप प्रिंट करवा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।